Pizza. Oh, wow. Wow. ऑस्कर 2022 का मंच सजा था। विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, लेकिन अवार्ड मिलने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल भरी महफिल में स्टेज पर एक्टर विल स्मिथ ने प्रेजेंटर क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वाकये को देखकर पूरी दुनिया शॉक्ड है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या था। दरअसल होस्ट क्रिस मंच पर विल की वाइफ जेडा पिंकेट स्मिथ के बालों पर मजाक मजाक में कमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिल्म जीआई जैन में उन्हें गंजेपन की वजह से कास्ट किया गया था, जबकि जेडा ने फिल्म के लिए अपने बाल नहीं कटवाए थे। वो एलोपीसिया बीमारी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से सिर में जगह जगह से बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बाल कटवा दिए थे। विल को वाइफ को लेकर क्रिस का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने स्टेज पर जाकर उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया। इस वजह से थोड़ी देर तक क्रिस सन्न रह गए। उनके साथ साथ वहां मौजूद लोग भी दंग रह गए। क्रिस ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि मेरी वाइफ का नाम अपने मुंह से दोबारा मत निकालना। वही क्रिस को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वहीं बाद में स्मिथ ने भी माफी मांग ली। ऑस्कर इतने बड़े मंच पर जो हुआ वो ऑस्कर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अब सोशल मीडिया पर विल स्मिथ और क्रिस रॉक ट्रेंड हो रहे हैं। ट्विटर पर भी कोई विल को सपोर्ट कर रहा है तो कोई क्रिस की साइड में है। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम खबर अपडेट।